जिलाध्यक्ष श्री अविनाश सिंह जी चौहान, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री माननीय प्रतिभा जी, अनिल मिश्रा जी, शैलेंद्र द्विवेदी जी, कमलेश पांडे जी, डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी, राहुल मिश्रा जी, शिवांग रमण भदौरिया जी और मंच संचालक सौरव जी, उपस्थित सभी शिक्षक बंधुओं, शिक्षिकाएं, आप सब उस वर्ग से आते हैं जो समाज की दिशा और दशा बदल सकता है। शिक्षक अगर हम इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो चाणक्य हुए थे, आप उसके वंशज हैं। चाणक्य ने इस देश के इतिहास को बदला, इस देश की राजनीति को बदला, इस देश की दशा को बदला और आज तक उनके बदले हुए साम्राज्य को हम लोग याद करते हैं स्वर्णिम काल के रूप में। वो शक्ति है आप लोगों के अंदर निहित कि राजनीति की दिशा और दशा भी बदल सकते हैं। एक समय था राजनीति एक अलग दिशा में थी, जिस विचारधारा के हाथ में देश की सत्ता की राजनीति थी उसने जो अपनी विचारधारा दी वह सही दिशा नहीं थी और यही कारण था कि देश और विदेश में भारत के राजनेताओं को, राजनीति का और भारत का सम्मान नहीं था। बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था, हर चीज का विकृत स्वरूप को समाज के सामने पेश किया। लेकिन जब देश के कुछ मनीषियों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, शिक्षकों ने उन परिभाषाओं को बताया जो जनता की, आवाम की आवाज थी, समझाया अपने उद्बोधनों द्वारा, अपने लेखों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, तो देश की राजनीति नई करवट ली। और जो नई करवट ली जिसके रूप में आज मोदी जी का नेतृत्व पूरे विश्व में छाया है वह शिक्षकों की देन है मित्रों, क्योंकि वो राजनीति का जब बदला हुआ था तो शिक्षकों ने किया था। धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा है, तुष्टिकरण को नए ढंग से बयान करना जो असलियत थी उसकी, किसने किया? इस देश के प्रबुद्ध लोगों, प्रबुद्ध वर्ग ने। वरना जो राजनीति गढ़ रही थी जिस परिभाषाओं को, वो देश की जनता को स्वीकार नहीं था, लेकिन दिशा नहीं मिल रही थी, उसको दिशा आप सबने दी। इसलिए आज की राजनीति का कोई ध्वजवाहक है तो शिक्षक वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है। मित्रों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग में अपना प्रतिनिधित्व हो इस दृष्टि से भी चुनाव लड़ना स्वीकार किया है। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व जब सदन में जाएगा तो समाज की सही आवाज भी उठेगी और शिक्षक वर्ग की भी आवाज उठेगी सही ढंग से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ाया है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि राजनीति समाज सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। और राजनीति इसलिए नहीं कि राजनीति में सत्ता के लिए करनी है, राजनीति सेवा का माध्यम बने और सेवा परिवर्तन का माध्यम बने। भारतीय जनता पार्टी उनके इस आधार पर, इनके विचारों पर राजनीति करती है। मैं रिंद हूं इसलिए नहीं पीता, मैं रिंद हूं इसलिए नहीं पीता, मैं राजनीति इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे सत्ता चाहिए। मैं रिंद हूं इसलिए नहीं पीता, हर पैमाने पर तेरी सूरत नजर आती है, हर पैमाने पर तेरी सूरत नजर आती है। मुझे हर वर्ग से राजनीति के माध्यम से देश की सेवा नजर आती है, देश में परिवर्तन की राजनीति करना नजर आता है, इसलिए राजनीति कर रहे हैं हम लोग। तो मित्रों, एक तरफ वो लोग खड़े हैं
जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा विजन नहीं है, इसलिए छोटी राजनीति करते हैं। क्यों नहीं करते बड़े फलक पर राजनीति? क्यों नहीं, क्यों करते हैं कि मैं उन्नाव का, कानपुर का या फलाने का, ठमके का? क्या इसलिए राजनीति करने पहुंचेंगे? प्रदेश की राजनीति, प्रदेश के सदन में जाना चाहते हैं और हमको क्षेत्रों में बांटना चाहते हैं, सदन में जाना चाहते हैं लेकिन राजनीति को जाति में बांटना चाहते हैं। मेरा नेता मोदी इस समय विश्व का नेता बन चुका है। वो अगर छोटी राजनीति करता तो विश्व का नेता नहीं बनता। आज मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है, मोदी कहता है तो दुनिया मानती है। यह है हमारी राजनीति का नया कलेवर, इसलिए हम राजनीति करना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं फ्रांस और नीदरलैंड गया था। ये वही देश है जहां कम से कम 20 साल पहले हमारे जीजाश्री गए थे, बाई दवे की बात है, और बड़ा मायूस होकर लौटे थे कि हम भारत, वो कहते हम कह नहीं पा रहे थे कि हम भारत थे। और जब मैं गया, मैंने उन्हें बताया कि मैं हिंदुस्तान से हूं, यूपी से हूं। ओ, यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, यू आर फ्रॉम योगी स्टेट। यह सम्मान, मेरा सीना 56 इंची का हो गया जब मैं ये सुनता था, ये मेरा नेता मोदी है, ऐसा मेरा नेता योगी है। हम राजनीति इसलिए करना चाहते हैं, फलक बदल गया है पूरी राजनीति का विश्व के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। शिक्षकों की राजनीति भी उसी हिसाब से बदले, शिक्षक भी उसी राजनीति के भागीदारी बने, उस राजनीति को नई दिशा दे, उनके अंदर का चाणक्य जगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के बीच राजनीति करना चाहती है, शिक्षकों को राजनीति में प्रतिनिधित्व देना चाहती है। और उसीलिए हमारे प्रतिनिधि वेणु रंजन जी और अरुण पाठक जी हैं। मित्रों, राजनीति एक सशक्त माध्यम है समाज सेवा का, इससे ज्यादा सशक्त माध्यम कोई नहीं है। हमारे कार्यकर्ता उसको अनुयायी है, उसको करते हैं। राजनीति गलत नहीं होती मित्रों। लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ी गलत है, गंदी है। राजनीति गलत नहीं है, राजनीति किन हाथों में सौंप रहे हैं, राजनीति वैसी है। पानी बोतल में रखा हुआ है, बोतल का आकार ग्रहण करता है, इसको कटोरे में डाल देंगे कटोरे का आकार ग्रहण कर लेगा, घड़े में डाल देंगे घड़े का आकार ग्रहण कर लेगा, बाल्टी में डालेंगे बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। राजनीति जिन हाथों को सौंपी जाएगी, राजनीति वैसा आकार ग्रहण कर लेगी। राजनीति राम के हाथों थी, राजनीति भक्ति थी। राजनीति कृष्ण के हाथों पहुंची, राजनीति युक्ति बनी। आप जानते हैं कृष्ण ने हर काम युक्ति से किया था। राजनीति राम के हाथों की, राजनीति भक्ति बनी। राजनीति कृष्ण के हाथों पहुंची युक्ति बनी, रावण के हाथ पहुंची शक्ति बनी, इंदिरा जी के हाथ पहुंची आसक्ति बनी। यानी कोर्ट ने बना कर दिया, उनके चुनाव को ठुकरा दिया तो इमरजेंसी लगा दी, इतनी आसक्ति। देश में आपको आपातकाल में झोंक दिया, ये राजनीति के लिए आसक्ति, सत्ता के लिए आसक्ति। तो इंदिरा जी के हाथों पहुंची आसक्ति बनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हाथों पहुंची विरक्ति बनी, और मुलायम सिंह के हाथों पहुंची समाज के लिए विपत्ति बनी, मायावती के हाथों पहुंची उनके लिए संपत्ति बनी, और जब मेरे नेता मोदी के हाथों पहुंची राष्ट्रभक्ति बनी, समाज सेवा की अभ्यक्ति बनी राजनीति। ये है, आप राजनीति को किधर ले जाना चाहते हैं? चुनौती ये है, ये चुनाव कोई एक शिक्षक को भेजने का चुनाव नहीं है,
जिस ओर देश चल पड़ा है राजनीति में, उसमें आप भी एक सहभागी बने, आपकी उस मायक में आहुति हो, इसके लिए चुनाव है। चूंकि आप सब शिक्षक हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समाज को दिशा देते हैं, आने वाली पीढ़ी का निर्माण करते हैं, इसलिए आपकी चुनौती बढ़ जाती है ऐसे समय कि राजनीति को कहां ले जाना है, देश को कहां ले जाना है, समाज कहां जाएगा, किनके हाथों को सौंपना है हमको। क्योंकि हमने वो भी देखा इस देश के अंदर दो राह की राजनीति, एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा मैं आपको, एक वो भी राजनीति है मेरे गर्दन पे तलवार रख दो मैं भारत माता की जय, ऐसी राजनीति। और अफसोस कि उसके साथ लोग खड़े हैं, उसका आलोचना भी नहीं कर पाते। एक तरफ वो राजनीति खड़ी है और एक तरफ लंदन के चौराहों पर, मास्को के मैदानों पर, पेरिस के स्क्वायरों पर, जब मेरा नेता विदेशियों से भारत माता की जय बुलवाता है तो मेरा शीना सब पर नीचे का हो जाता है। एक तरफ वो राजनीति, हम राजनीति किधर ले जानी है यह सोचना है, क्या उनके हाथों सौंपनी है या उस दिशा में ले जानी है, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, या विदेशियों तक से भारत माता की जय बुलवा के हर एक का सीने पर नीचे का करता है वहां ले जानी है यह तय करना है। तो राजनीति कहां ले जानी है जब ये चुनाव उसका है, तो मैं आपसे सिर्फ अनुरोध करने आया हूं। मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे, हृदय की गहराई से प्रार्थना है, अरुण जी को और भदौरिया जी को अपने प्रतिनिधित्व के रूप में पहुंचाए सदन के अंदर, तो एक प्रतिनिधि नहीं पहुंचेगा, एक विचारधारा पहुंचेगी, एक कोई एमएलसी नहीं बनेगा, पूरा माहौल बदलेगा वहां पर। क्योंकि तो दोनों सदनों में जब बहुमत होता है तभी नीतियां बदलती हैं, आपकी योजनाएं बदलती हैं। कब से देश तड़प रहा था 370 हटाने के लिए, बड़े दिनों से मांग थी, जिन लोगों का बहुमत था उन्होंने तो नहीं कहा किया, लेकिन मोदी ने जब किया, जब राज्यसभा में अल्पमत में थे हालांकि, लेकिन मैनेजमेंट उनका, हम कर लेंगे, ये सबकी आवाज थी कि 370 हटे हिंदुस्तान के, ऐसे 370 हटे। तो बहुमत का मैनेज किया गया था, लेकिन आप बहुमत बना देंगे तो हार आपकी आवाज कानून बन के आएगी, आवाज बन के आएगी, सदन बोलेगा जब तो आपकी आवाज बोलेगा, इसलिए राजनीति है मित्रों, इसलिए सुनना है। मैं बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, आपके श्री चरणों में नमन करता हुआ कि दोनों प्रत्याशियों को आप वोट दें और दिलवाएं, क्योंकि आप समाज का विचार बनाते। नमस्कार।